सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइड प्रो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख चुका होगा कि मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा प्ले स्टोर के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम 3 से 4 रकम के होते हैं। जैसे कि हम प्ले स्टोर से जब किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ट्राई अगेन वाला प्रॉब्लम आता है, और जब हम कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन पेंडिंग में चला जाता है जिससे कि हमारा फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ट्राई अगेन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो आज ना प्ले स्टोर के इसी इशू के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। तो आप अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को ध्यान से देखना, हमेशा के लिए इस जो है ना आपके इशू को ठीक कर पाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो तो हर किसी के लिए काम का होने वाला है, क्योंकि हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम को फेस करना है पड़ता है। तो प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाएगा इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ ही बेल आइकन पर दबाकर ऊपर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो अपलोडिंग करते ही रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा सबसे पहले। वीडियो शेयर कर देंगे तो और भी लोग जानेंगे, और वो भी अपने फोन के अंदर इस फीचर का इस्तेमाल करके, मतलब कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो भी अपने फोन के अंदर कर पाएंगे। और साथ साथ ही क्या करना है, एक कमेंट के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना है, प्ले स्टोर प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिख के आपको सेंड कर देना है अगर आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए तो। तो ट्रिक क्या है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज प्ले स्टोर के इशू की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि देखते होंगे कि आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक एप्लीकेशन को आपने यहाँ पर सर्च किया और एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने का कोशिश करें तो वो इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि पेंडिंग में आपका एप्लीकेशन चल जाएगा और डाउनलोड भी नहीं होगा, ट्राई अगेन हमेशा चलता रहेगा। तो इसके इश्यू को आप बिल्कुल फिक्स कर पाइएगा, बिल्कुल ठीक कर पाइएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, थोड़ा वीडियो कम टाइम का, ज्यादा लंबा भी बनेगा, 4 से 5 मिनट का बनेगा, थोड़ा ध्यान से कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हर कोई फेस करता है अपने फोन के अंदर। क्या आपके साथ भी होता है? होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी इश्यू को हमेशा के लिए आप ठीक कर पाएगा, और ये सेटिंग आपको हर किसी फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए और ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना है। जैसे कि फोन के सेटिंग में अंदर आ जाइएगा तो आपको दोनों फोन में, मैं ये करके दिखाऊंगा, जैसे कि देख सकते हो मेरे फोन, एक और फोन मेरे पास है, तो देख लीजिए इसमें भी ये ठीक करके दिखाऊंगा कि ताकि आपको कोई डाउट ना बचे कि मेरे ये फोन में नहीं हुआ, वो फोन में नहीं हुआ। तो क्या करोगे, यहां पर देख लीजिए, आपको यहां ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट के नाम से, जो कि यहां पर देख लीजिए मिल जाएगा। तो किसी किसी फोन में ना आपको ऐप के भी नाम से मिलेगा, जैसे कि मैं इसमें देख लीजिए ऐप के नाम से दिखा रहा है, यहां पर आप देख सकते हो ऐप के नाम से। लेकिन इसी मोबाइल में देखिए, इसके सेटिंग में दिखाता हूं तो क्या दिखता है, तो यहां पर देखिए इसका नाम मिलेगा आपको ऐप मैनेजमेंट के नाम से, देख सकते हो है ना, दोनों मिल गया। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको सैमसंग में, तो सैमसंग में समझिए थोड़ा ध्यान से, सब में जैसे इसमें भी आप आइएगा ऐप, मतलब ऐप मैनेजमेंट, तो सारा एप्लीकेशन यहां पर खुल के आएगा, यहां पर एप्लीकेशन लिस्ट मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आपको लाइक कुछ इस तरीके से सारा एप्लीकेशन, जैसे कि यहां पर देख लीजिए थोड़ा देर में लोड होके सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, देख लीजिए आ गया। तो यहां भी प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं बताता हूं आपको इसमें सैमसंग गैलेक्सी में, तो ऐप पर आप जैसे आइएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप अपने फोन में प्ले स्टोर को यूज करते हो उसी को आपको सर्च करना है। जैसे कि ये मेरा गैलेक्सी वाला है तो गैलेक्सी वाला मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे देख लीजिए यहां पर जी वाला खोजना होगा, जैसे कि देख लीजिए ए वाला है तो थोड़ा ऊपर की साइड करना है, जी वाला में आपको जाना है, जैसे कि देख लीजिए जी यहां पर आ चुका है, तो आपको अपने फोन में प्ले स्टोर के अनुसार ढूंढना है। तो यहां पर देख लीजिए आपको मिल गया गूगल, यहां पर देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर में मिला, यहां पर गूगल प्ले सर्विस में मिला, तो यहां पर आना है आपको अपने फोन वाले प्ले स्टोर पर। तो जैसे ही यहां पर आ जाइएगा तो क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझिए, तो यहां पर आपको मिलेगा अपने फोन के अंदर स्टोरेज के ऑप्शन के नाम से मिलेगा, सबसे पहले यहां पर क्या करना है फोर्स स्टॉप मिलेगा, इस पर आके ना आपको यहां पर ओके कर देना है। फोर्स स्टॉप कर दोगे तो क्या होगा, इस एप्लीकेशन में जो भी जंग लगा इशू होगा उसको ये यहां से फिक्स करके ठीक करेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग करना है, जो कि ये सेटिंग करना है स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज पर आप जैसे आइएगा
तो यहां पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान से दीजिए, यहां पर आपको मिलेगा क्लियर कैश मिलेगा, यहां पर कैच मिलेगा, इस पर आपको आना है, इसको भी आपको यहां से ठीक कर देना है। फिर यहां पर देखिए मैनेज स्टोर मिलेगा, थोड़ा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि यहां पर आपको मिलेगा क्लियर ऑल डेटा, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको ओके कर देना है। ओके जैसे करीजिएगा तो एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर है ना, पूरा ढंग से रिफ्रेश हो चुका है, जो भी इसमें इश्यू था वो ठीक हो चुका है। अब आप अपने फोन पर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जैसे यही एप्लीकेशन है तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। देख लीजिए तुरंत ये मेरे फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा देख लेते हैं, यहां पर है डाटा, तो देख लीजिए ये इंस्टॉल होना मेरे फोन में चालू हो चुका है, देख सकते हो रहा है, और ये हो भी जाएगा, और बिल्कुल ट्राई अगेन या इशू जो भी आता था वो आपके फोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो देख सकते हो कितना फास्टली स्मूथली हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्ले स्टोर के अंदर जो भी इशू रहता था उसको आप ठीक करके फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर यही था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक यूज करके आप अपने प्ले स्टोर में जो इशू होता था उसको आप फिक्स कर पाइएगा। तो अगर जानकारी आपको पसंद आया तो आपको करना क्या है, वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप सबको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले। सबसे पहले वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोग जानेंगे। और कमेंट के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया हो तो आपको लिख देना है प्ले स्टोर इशू प्रॉब्लम सोल्यूशन या प्ले स्टोर प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो इतना छोटा सा कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।